नमस्कार दोस्तों, आज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फलों का क्या बाजार चला, मंडी में आज के क्या कुछ रेट हैं। लो जी, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अनार की। पहले आपको अनार की बोली दिखा दें, फिर चलेंगे और फलों का रेट जानेंगे। वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। बोली कर रहे भाई साहब के यहाँ पर जो बोली चली है अनार की। और दोस्तों अनार ये नहीं है कि यहीं पर आता है, पूरी मंडी में अनार आता है। और कहना भाऊ जी का, हम तो एक छोटे से आड़ती है, एक से एक आड़ती है जी। मंडी में घूमो फिरो जहाँ मर्जी से माल लो, मंडी में घूमो फिरो जहाँ मर्जी अपना माल बेचो जी। मेरा काम है सिर्फ रेट देने का। रेट में बोली ओपन में है, ना किसी का बोलने का ना किसी का कहने का जी। ये जो भी रेट है ओपन के रेट हैं, जैसा माल आएगा उसमें वैसे ही बोली होगी। हर रोज़ आप देखते हो 300 रुपये डब्बे से शुरू हो जाता है और 1000-1200 रुपये तक का डब्बा बिकता है माल के हिसाब से। जैसा जिसका माल उसका वैसा रेट भी। और यही बोली लाने वाले हैं, ये भी सारी मंडी में घूमते फिरते रहें, जहाँ से इनको बढ़िया माल लगेगा वहाँ से लेंगे। ऐसे ही आप घूमो फिरो जहाँ मर्जी से माल लो। लो जी बड़ा नज़ारा आता है, ये कितनी है भाई? आप माल लो ना लो यहाँ घूमते फिरते जरूर आना, बोली देखना जी। यहाँ पर नज़ारेदार बोली होती है जी। और ये भाई साहब सिकंदराबाद से हैं, ये भी बहुत बढ़िया भाई, 25 है बेटे, 25। और इनको तो आपने एक से एक शेर सुनाते हैं, 750 लिखा है बेटे। ये साहिबाबाद से, 750 है, 600 भाई, 10 भाई, 20 भाई, 30 भाई, 50 हो गए, 50 बांट दे। लो जी दोस्तों 650 दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता दूं, पहले हर साल इस सीजन में बहुत सस्ता अनार जाता था, अगस्त के महीने में अनार को कोई खाता भी था, क्योंकि अगस्त में टमाटर अपना आम का पूरा जोर रहता था और सेब आ जाता था। अब की बार सेब बहुत ज़्यादा कम है, सेब में तेजी है और मोटी डंडी नाशपाती भी नहीं है और आम का सीजन खत्म हो चुका है। इस कारण जो है सारे का सारा जो है क्राउड अब अनार में है। सब अनार लेने वाले बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये दूर दूर से माल लेते हैं, लेके अपनी मंडियों में बेचते हैं। कहीं तो आड़ती भी है जी, यहाँ पर आड़ती भी छोटी मंडी, ये भी भाई साहब सिकंदराबाद से आड़ती हैं जी। इनका भी हर रोज 400-500 डब्बे हर रोज ले जाते हैं। और ये भी ले जाते हैं, ये तोमर जी भी बैठे जी आप तो यहाँ पर। हाँ जी तोमर जी, नरेला नहीं गए मंडी में? ये लाला जी भी बैठे हैं भाई, परसों वाले, साहिबाबाद वाले। इनका बेटा एमसी बन गया, गाजियाबाद से एमसी बना रहे साहिबाबाद से। अच्छा जी, लाल बत्ती की गाड़ी मिल गई। मिल गई भाजी, मिल गई गाड़ी। वाह जी वाह, बढ़िया जी गाड़ी। ये कितनी है भाई? एमसी में जीते जी, एमसी के इलेक्शन में। तो आज बेटे ये जूस वालों के मतलब है, छितरी वाला है। देखो भूखा भी एक बार बेटे ना, कैसे बोली लगेगी। 800 है बेटे, 800 है, 800 है बेटे। तो जी इसने 650 लाए, 650 भाई, 650 कमाल हो गया। कितनी है? थोड़ा क्या रख देगा? अब इतने का मोटा भी इतने का 650 भाई, 650 20 रुपये सिर्फ, 60 भाई, 70 भाई, 80 भाई, 700 बेटे, 780 हो गए, 90 भाई, 700 बेटे, 720 बेटे, क्या कमा बेटे, 700 रुपए बेटे, 700 रुपए उसने दिया। देखा मजबूती देखी अनार की यार, डब्बा ये गया जी। और यहाँ पर बोली भी सकता है, बोली के लिए सब स्वतंत्र हैं। अपना पहले माल चेक करो यहाँ पर, जैसे पलटा जाएगा फिर उसके बाद अपनी बोली दो, जिसको जैसा वारा खाएगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं, जैसे ये 10 किलो बोलते हैं, 10 किलो जो डब्बे सीमित है तो 9 किलो माल निकलेगा। जैसे आजकल बरसात का, हुमस का, गर्मी का मौसम है तो 1 किलो दागी भी निकल जाता है, कई बार 8 ही किलो माल इनके हाथ लगता है। और जब ये तोलेंगे तो इसका वेट पूरा नहीं होता, कभी छोटा कभी बड़ा चढ़ाना पड़ेगा, तो इनको 7.5 किलो वजन ही तुलता है। ये मुझे ये बता रहे यार, बीबी का 30 लाए, एमबी का नहीं निकला 10 दारा। पूरी सुना करो, ये दुकानदार बोलते हैं भी मारे जो एमबी का, तो ये 7.5 किलो ही बेचते हैं हम इसमें, क्योंकि वो थोड़ा सा वजन में चला जाता है जी। नजारा है जी बोली का जी। बाऊजी का ये लड़का है जी, ये शुभम बाऊजी का लड़का है। बेटे बहुत बढ़िया आ गया बोली, अब काम सिखा रहे जी। कितने 10 दारा भाई? जब बाबूजी रिटायर हो गए, साल में, 2 साल में, 5 साल में, फिर ये साइड में बैठेंगे, शुभम बोली करेगा। 14 है 14 को पूरी ट्रेनिंग दे दीजिए इन्होंने, ये भी बहुत पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़े बेटे बहुत बढ़िया बोलेगा बाबूजी, ऐसे नहीं आया जवानी में, नहीं देखा होगा अनार बेटे, पूरी मंडी घोले ना बेटे, वाह जी वाह, मौज कर दी बेटे, इससे बढ़िया चाहिए रात को आ जाना बेटे। हंसी मजाक चलता रहता है, उधर उधर उधर। अगर जूता सिर सलामत हो तो नया ले लिया, पुराना 1300 है बेटे।
पूरी मंडी घूमने पड़े, ऐसा अनार नहीं मिलेगा। हजार भाई, हजार, बीस भाई, तीस भाई, पचास रुपए लिख, पांच लाला जी की करते पांच रुपए जी, एक हजार, चार ले ले, चार हजार, जितने मोटे दाने वो जाएंगे डब्बे में उतने कम आएंगे, इसमें वजन नहीं घटेगा। 9 किलो जी, 1050 रुपए ले। जैसे बाबू जी बोली करते हैं, जब बाबू जी थक जाते हैं वो टिंकू करते हैं, सामने टिंकू जी ये जो हाथ ला रहे जी, ये लाल टी शर्ट वाले राणा साहब पकड़ा गया था एक दिन, ये लो जी जूस वाला माल है जी, जूस वाला दोस्तों, ये जूस में चलता है छोटा जो गांव शहर में, 10 ही है बड़े 10 कस्बों में माल, ये भी बढ़िया है, इसको हल्का मत सोचना कि हल्का, बड़े आराम से भीड़ में यार बढ़िया, धक्का मत दो, 450 भाई, लो जी इनने तो 500 रुपए लगाए, ये नार में दोस्तों इसलिए भीड़ है क्योंकि सेब कम है और अपना आम खत्म हो चुका है और फ्रूट तेज है, तभी ये अनार में भीड़ है जी, अनार ही अब खाने, 10 लिख दे बाकी 15 बिकेंगे, देखो जी एक 700 लिखूंगा बेटे, 700 लिखूंगा बेटे, 600 हो गए, 600 रुपए लिख, 600 रुपए गया जी, 600 रुपए गया, अब सबको मंदाना वो कह रहा हम 10 डब्बे मुझे दे दे, कोई आगे आगे मुझे दे दो जी, 30 मुझे दे दो जी, लो जी 28 डब्बे, बहुत बढ़िया साइज देखो बेटे, क्वालिटी देखो अनार की, मजा आ जाएगा बेटे, 850 लिखूंगा बेटे, 850 है बेटे, 650 भाई, 70, 700 हो गए, 700 पहले उधर है, 700 जाए, 700 रुपए लिख, लो जी 700 रुपए डब्बा गया जी, 700 रुपए डब्बा, नार के पूरी ले ली, नार में भूख देखो, अब हो गए, लेने वाले बहुत है जी। हाँ जी बाबू जी, गाड़ियाँ कितनी है जी आज? गाड़ी कम ही है राणा साहब, अच्छा 30 गाड़ी अंदाजा है, फाइनली पता 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी माल बिक रहा है, बाजार में करंट है ठीक है, बाजार ज्यादा तेजी भी अच्छी नहीं है, ज्यादा बंदा भी अच्छा नहीं है, अच्छा ये जो रेट आ गया ना यही रहेंगे, और पीछे क्या पोजीशन है जी, कितने में तेजी, 500 रुपए किलो बढ़ता है, 10 रुपए किलो बढ़ा देते हैं, अच्छा जी 10 बढ़ता है, 20 बढ़ा देते हैं, जो यहाँ से अपने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट के माल जाते हैं वो दिल्ली में कभी नहीं आते जी राणा साहब, वो माल भी आते हैं, वो माल भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, वो माल आज भी 140-150 रुपए किलो यहाँ बिकेगा, लेकिन वैसे माल कम है, अच्छा उनकी गिनती नहीं आती, 10-20-50 डिब्बे होते हैं, नॉर्मल जो रेट है 500 से लेके 1000-1100 तक है, बहुत बढ़िया होगा तो 1200-1300-1100 किलो वाले, अच्छा जी, अब तो मीठा जी खाने लायक होगा पूरा, अनार तो बहुत बढ़िया हो गया, खाने लायक हो गया, तभी खाने लायक हुआ तो ये आ गए ना, अच्छा जी, खाने लायक नहीं होता ना तेरी भीड़ कहाँ से होती राणा साहब जी, मार्केट में बिक रहा जी, बिक रही है जब बिक रही है, हाँ जी बाबू जी, और इसका गुण बता दो जी कोई, ये बैठे बूढ़े आदमी गुण बताओ, अनार के पुत्र को ज्यादा पता है, आप बता दो ना, अनार का एक गुण बता दो, आपको बताया था वीडियो भेजी थी यार, अच्छा इतने गुण है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, अच्छा जी, एक अनार रोज खाओ सब बीमारियों को दूर करेगा, अच्छा बढ़िया कोई फ्रूट नहीं है, लोग आमतौर राजा कहते थे ना, हाँ जी ये शुगर वाला भी खा सकता है, अच्छा जी सबसे बढ़िया है, अनार और खून मिला लो, आप अपना खून निकालो, आपका आज का अनार रख लो, पता नहीं चलेगा खून कौन सा अनार कौन सा, अच्छा जी इससे बढ़िया क्या चीज होगी राणा साहब, धन्यवाद सर, सबसे बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी और इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आपसे रिक्वेस्ट है एक डब्बे के लिए कॉल ना करें जी, सिर्फ किसान और व्यापारी कॉल करें, भीड़ तो देखो जी, अब और क्या सौदा गया जी, कितने का गया, कितना धक्का मिचरा दिखा बाबू जी का, आज मोबाइल फिर ना साफ हो जाए दोस्तों, आपको मैं और एक और चेतावनी दे दूं, जब भी आप इस भीड़ भाड़ की मंडी में आए चौकस, यानी आपका पर्स मोबाइल सब है, जहां पर गुड़ आएगा तो मक्खी भी आएगी जी, वहां पर आपको पता ही है, यहां तक अनार मंडी है, इसके तुरंत बाद जो है अपना अमरूद मंडी शुरू हो जाती है, पहले खंबे पे फरमान भाई साहब बैठे जी, जिनसे कल रेट पूछा था जी, ये फरमान बैठे, यहां जो है सोनू मोनू भाई साहब बैठे, उधर मोनू भाई साहब बैठे जी, बेच रहे जी, लो जी आज जान लेंगे मोनू भाई साहब से क्या रेट चला जी, आज की क्या पोजीशन है जी, क्या क्या रेट में माल बिके, क्योंकि माल भी बढ़िया है जी, खाने में भी बढ़िया है जी, डिमांड भी है जी, जो बढ़िया सौदे हैं वो तो दोस्तों सुबह में ही तड़के में 3 बजे 4 बजे सुबह में ही बिक लेते हैं, क्या शानदार माल जी। नमस्कार भाई साहब जी, हाँ जी बोलो जी भाई साहब जी, कितनी गाड़ियाँ आई, कितने माल आ रहे जी अभी? राणा जी मंडी के अंदर अपनी रतलाम की 4 से 5 गाड़ियाँ थी, अच्छा जी, और महाराष्ट्र के जी? महाराष्ट्र की 2 गाड़ियाँ,
अच्छा जी, और नार वालों में अलग आ रहा जी, वो नार की गाड़ियों में अलग है? हाँ, नार की गाड़ियों में तो अलग आता है, ट्रेन से अलग आता है। अच्छा जी, कैसे बाजार चले भाई साहब जी? रेट राणा जी आज बारिश की वजह से बाजार डाउन ही रहा है। अच्छा जी, बाजार मान के चलो 55 रुपए से लेके 65 रुपए तक। 55 से 65 मध्य प्रदेश वाले? मध्य प्रदेश वाले। और ये अपना महाराष्ट्र? महाराष्ट्र भी ऐसे 5 रुपए की तेजी होगी, उसमें जो माल बढ़िया होंगे 70 रुपए तक। अच्छा जी जी, रेड डायमंड आ रहा जी अभी? हाँ जी, रेड डायमंड। रेड डायमंड नहीं ला रहा अपने पास तो नहीं आ रहा। अच्छा जी, अच्छा, बस सिर्फ ओनली अमरूद है जी अपने पास? ओनली अमरूद। धन्यवाद भाई साहब जी, मोबाइल नंबर 8588005252 विशाल एंड कंपनी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये 3-4 खंभों के अंदर यहीं पर माल बेच रहे जी, ये सारा का सारा। अरे भाई, यहाँ तो चलने की जगह भी नहीं भाई साहब। आज लोग ये सारे आड़ती बैठे जी यहीं पर। ये एस के एंड कंपनी बैठी जी, ये भी किंग है जी अपना अमरूद के। इनके पास भी माल आता है, एक दो माल तो इनके पास बहुत शानदार आता है जी, जान लेंगे। बहू जी नमस्कार जी। बहू जी, वो जो आपने वो माल दिया था, क्या गजब माल था जी, वो जो रेड डायमंड था, दोबारा नहीं आया जी वो माल? रेड डायमंड दोबारा नहीं आया राणा साहब। क्या कारण है जी? पीछे माल तैयार नहीं है अभी। अच्छा जी, माल इतने निकल नहीं रहे अभी, रेड डायमंड तैयार होने में टाइम है। अच्छा जी, वाकई क्वालिटी थी जी, किस किसान ने मेहनत करी होगी जी वो? बिल्कुल, वो महाराष्ट्र वाला था ना। अच्छा, महाराष्ट्र का था। धन्यवाद बोल देना उस व्यापारी को, किसान को जी। बिल्कुल धन्यवाद है, थैंक यू। हमारा जो व्यापारी है बहुत बढ़िया है, माल भेजने के लिए बहुत अच्छा। अच्छा जी, तो अभी मंडी में रेड डायमंड बिल्कुल भी नहीं है जी? रेड डायमंड नहीं है, बस यही चल रही जी सारे के सारे। ये अपना BNR आ रहा है अपना, रतलाम और महाराष्ट्र। अच्छा जी, ये तो फिर आज कह रहे बरसात की वजह से 5-4 रुपए का, बाकी बाजार का डाउन है आज बरसात की वजह से। अच्छा, माल भी राइवल भी ज्यादा है राणा साहब। अच्छा जी, ये सारा राइवल? हाँ, राइवल ज्यादा है आज, हर जगह से माल आए हैं हमारे पास तो। अच्छा जी, अपना महाराष्ट्र भी माल आए हैं, रतलाम से भी माल आए हैं अपने पास। महाराष्ट्र वालों का क्या बाजार चला जी? महाराष्ट्र वालों का बाजार चला है राणा साहब 80 रुपए। अच्छा, 80-85 रुपए। अच्छा जी, और ये रतलाम वालों का माल बाजार चले हैं 40 रुपए से लेके 65-70 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, क्वालिटी के अनुसार है जी? क्वालिटी के अनुसार है। बाकी हमारे पास अपना हिमाचल का आया है, हिमाचल वाला बिका है 70 रुपए। हिमाचल का अमरूद? हाँ जी। ये कौन से इलाके में से आया जी? ये तो 4 साल से 5 साल से आ रहा है राणा साहब। नहीं, इलाका कौन सा जी है? ये अपना बद्दी से। अच्छा, ये चंडीगढ़ के पीछे नालागढ़ बद्दी का एरिया, वाकई क्वालिटी है जी। बाकी हमारे जमुनानगर से आया है, वो माल बिका है 65 रुपए। चारों तरफ का माल आ रहा जी राणा साहब, चारों तरफ से। ऊपर वाले का, माता रानी का शुक्र है, जहाँ माल पैदा होता है दुकान पे जरूर आता है। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? राणा साहब, दुकान का एड्रेस 1045 ए ब्लॉक। और मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर 9891460826। बहुत बहुत शुक्रिया जी उसको, किसान को जो रेड डायमंड वाला, धन्यवाद बोलना। जल्दी से जल्दी दिल्ली में दोबारा माल आए जी। वाह, छोटू इतना तो तू आप नहीं है, जितना बड़ा डब्बा उठा रखा तूने। चलिए जी, इधर जान लेंगे आज का सीताफल का क्या बाजार चला। इधर सीताफल सर्द आता है, और इधर जो है जय भाई साहब भी बैठे। लो जी, एक दो टूक बात जय भाई साहब से भी कर लेंगे। नमस्कार भाई साहब जी। जय भाई साहब जी, रेड डायमंड की डिमांड चल रही जी मंडी में बहुत, और आपके पास कोई विषय भी नहीं आ रहा जी? रेड डायमंड अपने पास 200-250 डब्बे आए थे। हाँ जी, 100 से 120 रुपए बिका है, नासिक का माल था रेड डायमंड। रेड डायमंड। अच्छा जी, और मंडे को फिर कर्नाटका का माल आएगा जिसकी रेंज 150 के आसपास की है। अच्छा जी, अपने पास 100-150 डब्बा रेड डायमंड डेली आ रहा है। और अपना सीताफल कब तक आएगा आपके पास? सीताफल भाव जी अपने पास सुबह आया था। हाँ जी, 160 रुपए किलो की दर से माल बिका है, मोटा माल था, 160 रुपए गोल्डन। कहाँ वाला है जी ये सारा माल? जो है औरंगाबाद का था। अच्छा जी, और जो के इसका मीडियम माल था वो बिका 100-110 रुपए, 115 रुपए, 120 रुपए तक बिका। अच्छा जी, औरंगाबाद कौन सा? वो छत्रपति संभाजी नगर वाला? हाँ जी, हाँ जी, वही जी। अच्छा जी, अच्छा, हाँ जी। और बाकी जो पिंक की डिमांड आज ज्यादा है, पिंक का माल अच्छा, अच्छे माल पिंक में VNR की टक्कर ले रहे हैं आज। अच्छा जी, VNR की डिमांड थोड़ी कम हुई है, पिंक की थोड़ी ज्यादा हुई है मौसम के हिसाब से, बाजार के हिसाब से। अच्छा, मेरे पास नासिक का पिंक आया था, लगभग 65-70 की रेंज में बिका है। इंदापुर का पिंक 65-70 की रेंज में बिका है। VNR भी लगभग यही रेंज में चल रहे हैं। धन्यवाद, 5 रुपए ज्यादा, कोई 5 रुपए कम। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी भाई साहब जी। दुकान का 9604046939। धन्यवाद, नमस्कार। लो जी दोस्तों, सीताफल का तो रेट जानना पड़ेगा, राजा भाई साहब से जान लें। ये पास आता है, ये गाड़ियाँ थोड़ा लेट आती है, इस समय आता है, ये ट्रेनों में आता है, गाड़ियाँ ट्रेन में से आके गाड़ियों में वहाँ से लोड होके छोटी गाड़ियाँ आती है, और यहाँ पर इसका बाजार चल रहा है। नमस्कार भाई साहब जी। राजा भाई, नमस्कार। राणा जी नमस्कार, कैसे हो जी? ठीक ठाक। हाँ जी भाई, राजा भाई साहब जी, कैसे बाजार चले जी आज के जी? बहु जी ये फ्लैट बेका है बहु जी, 500 रुपए का। अच्छा, फ्लैट 11-12 किलो वजन है इसका। और गोल्डन में जी? इसमें गोल्डन बहु जी आज पीछे आया हुआ है, अपने पास बिक गया है।
अच्छा जी, अगर देखो किसी पड़ाओ तो नहीं है, बिक्या बाजू उठ गया। गोल्डन का क्या बाजार चल रहा जी भाई साहब जी? गोल्डन बहुत जी 1400-1500 रुपए बेचा है 10 केजी, ये बेचा है 500 रुपए का, और इसकी करंटी बेची है भाजी 130 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की। अच्छा जी, ये तो आज ही वीडियो दिखाओ। धन्यवाद भाई साहब जी, मोबाइल नंबर जी। राजा नाम मेरा सर जी, MST बजरंगी फ्रूट, मेरा मोबाइल नंबर 9213628942। ये 7 नंबर शहर में बिक रहा है, 75 नंबर कमरे पे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, अमरूद मंडी की है जी, तो मंडी के साथ जी। धन्यवाद जी। लो जी दोस्तों, अब दूसरे साइडों में चलेंगे, वहाँ पर आज का क्या बाजार चलेगा जी। और ये भाई साहब जी दिल्ली से हैं जी, रोहनी से आते हैं, ये भी देखने के लिए आए जी। नमस्कार। चलिए दोस्तों, अब पहुँच चुके हैं 17 नंबर साइड में, जान लेंगे 17 नंबर साइड में, जहाँ अब तक आम बिकता था, अब यहाँ जो है मौसमी आने लग गई। वाह जी वाह, आज तो यहाँ जो है जाट भाई साहब के दर्शन हो गए। नमस्कार भाई साहब जी। ईद का चांद हो गया यार। नहीं जी नहीं, आप आम चल रहा था जी, आम खत्म हो लिया, मैं सोच रहा आपका सीजन जा गया। खत्म हुआ, कल आम खत्म हुआ यार, कल लास्ट था जी। अच्छा जी, बस आज मौसमी कर दीजिए शुरू। हाँ मौसमी आ गई। अच्छा जी, और शरीफा भी आ रहा है। शरीफा कौन सा जी है? इसको ये शरीफा बोलते हैं। अच्छा, सीताफल शरीफा, इसकी शरीफा कल अभी अभी इसकी वीडियो बना के आया जी मैं वहाँ से, उधर भी आ रहे तो अपना अपने पास कंटिन्यू आ रहा है, गाड़ी रोजाना आ रही है। अच्छा जी, अच्छा, एक हफ्ते से आ रही है। कहाँ वाले माल हैं जी? हैं ये MP के माल है। MP के जी, इनका क्या बाजार चल रहा है जी? शरीफा 700 रुपए ग्रेड, 800 रुपए ग्रेड, 600 रुपए ग्रेड, 500 रुपए ग्रेड, 500 से लेकर 800 रुपए तक की ग्रेड बिक रही है। और वजन कितना है जी इसके अंदर? वजन 20 किलो के आसपास होगा। अच्छा जी, अच्छा, जैसा माल उसका वैसा रेट है। तो अब मौसमी में लग गए जी? हाँ जी, मौसमी है ये, देखो मौसमी। अच्छा जी, अच्छा, मौसमी की मंडी में कितनी गाड़ियां आ रही जी वैसे? मंडी में आज गाड़ी है 153 गाड़ी है। 153 गाड़ी आज सबसे हाईएस्ट अराइवल है। सबसे 153 पूरे साल की सबसे हाईएस्ट अराइवल मौसमी की आज के दिन है। मैं को ये पिछले साल भी नहीं, 153 तो होंगी इस साल। 153 गाड़ी आज रिकॉर्ड टूटा है। अच्छा जी, उसमें 130 गाड़ी खुल गई है। अच्छा जी, हाँ हाँ, 120 गाड़ी खुली है सर, 30 गाड़ियाँ भी बंद है। अच्छा, 123 गाड़ी खुल गई, 30 गाड़ी बंद है, जो सेकंड शिफ्ट में खुलेंगी। अच्छा जी, और शनिवार का दिन है आज, गाड़ी सब खोलेंगी। वाह जी वाह, शाबाश है जी, दिल्ली की मंडी को 150 गाड़ियां, दिल्ली के मौसमी की आड़तियों ने बहुत हिम्मत मारी है। अच्छा जी, पूरे 5 स्टेटों के अंदर इतनी गाड़ी नहीं है, इतनी अकेली एक स्टेट में है। ये तो कल्ली दिल्ली है जी, और सारे को खा के डकार मार देंगे जी। ये दिल्ली वाले आड़ती बड़े शेर हैं, मौसमी की आड़ती जो है। हाँ जी, वाकई में शेर हैं। वाकई है जी, वाकई है जी, जिनको बेचने का दम रखते हैं। हाँ जी, इतनी गाड़ी बेचने का दम, इतनी गाड़ी हैदराबाद में भी नहीं है। अच्छा जी, वाकई जी, 153 गाड़ियाँ कहने की होती हैं जी, और जबकि खुली गाड़ी है। देखो, एक गाड़ी कोई 20 टन है, किसी में 18 टन है, किसी में 20 टन है। 20 टन थोड़ा माल हो जी, हर गाड़ी में 20 टन माल है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो आज के अपने यहाँ क्या रेट चले जी? एक नंबर का क्या? 4 गाड़ी लगी मौसमी की अपने पास। हाँ जी, 1, 2, 3 तीन, एक 16 नंबर में लगी हुई है। अच्छा, एक 16 नंबर में जी। हाँ। अच्छा जी, तो आज का क्या रेट चल रहा जी? आज 4 नंबर का क्या बाजार चल रहा है? 4 नंबर का बाजार है जी, 22 रुपए बिके अपने पास। अच्छा जी, अच्छा, और ये 3 नंबर जी? 3 नंबर पे क्या है, 28 रुपए, 27, 28। अच्छा जी, 3 नंबर 27, 28। और जी ये 2 नंबर जी? 2 नंबर 30, 32। 2 नंबर 30, 32। और 1 नंबर जी? 1 नंबر 32, 34, 35। 32, 34 रुपए ज्यादातर। अच्छा जी, 32 से 34 के आस पास। हाँ जी, और माल ज्यादा कौन सा निकल रहा है इस टाइम समय गाड़ियों में से? माल ज्यादा 4 नंबर ही निकल रहा है। 4 नंबर की? 4 नंबर और 3 नंबर दो ही हैं। 4 नंबर और 3 नंबर ये ज्यादा निकल रहे हैं? ये ज्यादा है क्वालिटी। अच्छा। और जो मंडी में डिमांड है इस समय लेने वाले हैं, कौन सा मांगा जी ज्यादातर? ज्यादातर डिमांड जो 4 नंबर की ही रहती है, जूस वाला आदमी 4 नंबर में चलाते हैं। जो यहाँ से बाहर जाएगा दिल्ली से, वो ज्यादातर 4 नंबर ही मांगता है? दिल्ली से बाहर जाएगा वो 3 नंबर ज्यादा जाता है। अच्छा जी, 3 नंबर ज्यादा जाता है। अच्छा जी, 3 नंबर 4 नंबर थोड़ा कम जाता है, 3 नंबर ज्यादा। तो अब ये मौसमी का ही काम चलेगा जी अपना लगातार? हाँ, मौसमी का चलेगा, शरीफा भी है। अच्छा जी, और बाकी फिर प्याज चलेगा? प्याज में प्याज का तो आपका कंटिन्यू आई है जी? कंटिन्यू आज जा रहा हूँ, प्याज में जा रहा हूँ थोड़ी देर। अच्छा जी, अच्छा, प्याज का बाजार ठीक हो गया, प्याज का बाजार आज प्याज बिकी है। हाँ जी, ये मानो 18 से लेके और 25, 26, 27 रुपए तक की बिकी प्याज। प्याज तो रोज ठीक ही चल रहा जी बाजार, उम्मीद है ठीक रहेगा। हाँ जी, हाँ, चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये 17 नंबर साइड में इधर APMC के दफ्तर के सामने से पहले ही फड़ा है जिनका, यहाँ पर मौसमी बिकी है। हाँ जी सर जी, दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? D1232 सागर ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी, पवन कुमार जाट,
और मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर 98114-64281। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है राणा साहब, चलिए दोस्तों जान लेंगे तरबूज मंडी में भी आज का तरबूज का क्या बाजार चला। सेरे भाई साहब के पास आज क्या कथा सुनाएंगे। रोना तो आई देखो जी, रोने वाला काम तो बिना रोए तो काम चलता नहीं जी। आज के क्या कुछ रेट चले जी, क्या पोजीशन? सर जी नमस्कार जी, अपनी दुकान छोड़ के आप लोगों की दुकानों पे घूमते फिर रहे, क्या बात है जी? है आज भाई ये ट्राई करने गया हूँ। और होगी दुकानों पे क्या रेट चल रहा? ट्राई करने गया हूँ। अच्छा क्या रेट है? अच्छा जी, मंदा आएगा तेज है। अच्छा जी, ये कहाँ की गाड़ी है भाऊ जी अपनी? ये भाई तमिलनाडु, तमिलनाडु की जी। माल तो बड़ा शानदार है जी, माल बहुत बढ़िया है अभी तो बिक गया। ये भाऊ जी कितने दिन में लगती है गाड़ी वहाँ से? पांचवे दिन आती है। ये चली थी सोमवार को, सोमवार को चली थी, सोमवार शुक्र शनिवार इतवार शनिवार को लगी है। अच्छा जी, आज लगी है। तो इसमें कितने टन माल आवा जी है? इसमें 21 टन माल है, 20 टन नहीं है। 20 टन अन्ना गाड़ी है जी, अन्ना गाड़ी वो। अन्ना। अच्छा जी, और ये अपना भाड़ा कितना है जी इसका? भाड़ा भाई ये 7 रुपये 7.5 रुपये किलो है। ये जी 1,40,000 के लगभग। 1,40,000 रुपये भाड़ा है इसका वैसे। अच्छा, 10 किलो। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। आज के क्या बाजार चल रहे हैं मंडी में, गाड़ियाँ कितनी है जी? बाजार गाड़ियाँ मंडी में 16 है। 16 ऐसी बड़े बड़ी जी है, हर रेट है। हाँ जी, 20 रुपये से लेके लूज और डब्बे में 28 रुपये तक निकला है। अच्छा जी, 20 रुपये जिसका माल है वैसा पैसे है। अच्छा जी, किसी का बढ़िया उसका 28 बिक जाता है। हाँ जी, इसका हल्का उसका 26 बिक जाता है। अच्छा जी, इसका और हल्का उसका 24 बिक जाता है। ये बात बताओ जी, कुछ जने पूछते हैं जैसे ये गोल माल है, देखो ये पीस गोल है और ये लंबे है, तो डिमांड ज्यादा कौन से माल की है जी? यही माल की डिमांड है, जो साइज है बस। अच्छा जी, ना ज्यादा लंबा हो ना गोल हो। अच्छा, ये मीडियम है। यानी एक डब्बे में जो 3 पीस के लगभग आ जाए 9 किलो वजन, तो इसमें 9 किलो वजन आ रहा जी? 9 किलो खुला है। जो 9 से ज्यादा आएगा जी, फिर 9 से ज्यादा आएगा तो और बढ़िया है, कम आएगा तो घटिया है। अच्छा जी, अच्छा 8 किलो वजन आएगा तो घटिया है। अच्छा जी, आती है जब 8 किलो आता है। अच्छा, कोई नहीं पूछता, 7 किलो भी भर दो, 6 किलो भी भर दो, चल फिर सब चलेगा जी। बंदा होता है। हाँ जी, 10 किलो लूंगा। अच्छा जी, 11 लूंगा। सहज मांगते हैं जी, ड्रामा फिर ड्रामा। चलिए जी, और आज सर्दे की कितनी गाड़ियाँ आ रही बाबू जी? सर्दे की भाई 2 गाड़ी आई है बाबू जी, पूरे हिंदुस्तान में छा गए जी आप तो। देखो राणा जी, छाने की बात नहीं। हाँ जी, मेरा नारा पुराना है, जय जवान जय किसान और जाग गया हिंदुस्तान। अच्छा जी, सीमा पे जवान और खेतों में किसान और मंडी में सेरा भाई। राणा जी आए किसानों में कारोबार, जो हर चीज का रेट बता रहे। हाँ जी, हाँ जी, पहले क्या होता था, किसान जो भोले वाले होते थे, अब किसान वो नहीं है, अब तो साइंटिस्ट हो गए, दवाइयाँ केमिकल उनसे पैदा करना। इन दिनों में कभी तरबूज पैदा होता था? ना जी, कभी भी नहीं होता था जी। इन दिनों में नहीं होता था, सिर्फ जनवरी में आता था। वो एक गर्मी गर्मी के सीजन में तरबूज मिलता था, गर्मी में और जनवरी में। हाँ जी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बेंगलोर में पैदा होता था। अच्छा जी, उसके बाद ये अनंतापुर में पैदा हुआ। अच्छा जी, उसके बाद महाराष्ट्र आ गए, फिर सोलापुर आ गए, फिर कोल्हापुर आ गए। हाँ जी, उसके बाद में गुजरात भी आ गए। अच्छा जी, गुजरात के बाद में जयपुर भी आ गए। अच्छा जी, ये सारा केमिकल तो बनना, ये जो है खाद वो नहीं है। हाँ जी, पहले खाद होती थी इंडियन। हाँ जी, अब भाव जी पता नहीं कौन कौन सी, ये खत्ता है देखो, ये खत्ते का क्या बनना है? ये इतना बड़ा डंप लग रहा, ये डंप ये सब ये खाद ही बन रही है। हाँ जी, पर बढ़िया जी, वो खाद बढ़िया है इसके लिए। और ये खाद तो बढ़िया है, पर बीमारी नहीं है राणा जी इनमें? बीमारी तो है जी, ये लाखों टन जो सड़ रहा है। हाँ जी, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज है, और इसमें प्लास्टिक ज्यादा है जी, मैं बता रहा हूँ पता नहीं क्या क्या चीज है। हाँ जी, उसको सबको भाई, आपने इतने फ्रूट है, आपने तरबूज का काम चुना जी सारी मंडी में? भाई 12 महीने मैंने तरबूज का नहीं, खीरे का था। खीरे का, पीलीभीत में खीरे का मैं मशहूर हूँ आज भी। आज भी अगर पीलीभीत में मैं खड़ा हो जाऊँ ना, हाँ जी, इलेक्शन भी जीत जाऊंगा। अच्छा जी, बरेली से लेके और खटीमा तक। अच्छा जी, खटीमा तक खीरे लगवाया मैंने। अच्छा जी, उस टाइम 25-25 गाड़ी खीरे की आती थी ए ब्लॉक में, यहाँ भजन सिंह। अच्छा, आप बोल चाल में आप इसे 2 साल से जुड़ो है, बोल चाल आपकी सबसे प्यारी है और सब बंदों के साथ इज्जत से पेश आते हैं, और लोग मुझे बोलते हैं शेरे के पास नजर कर रखा हो तो बदमाश है कहा, बड़ा तगड़ा का, उससे तो दुनिया थर थर कांपती है जी। मुझे तो कहीं लगा नहीं जी ऐसे, आप तो बिल्कुल देखो वो भले बेवकूफ है। अच्छा जी, वो इतने बड़े बेवकूफ है, मेरे पे आगे बैठे तो मैं चाय पिलाऊं, और नहीं तो फिर टेलीफोन पर तो बोलूंगा नहीं कुछ। धन्यवाद जी, मोबाइल नंबर दिया राणा जी। सुनो, हाँ जी, ये जुबान से कुछ भी कह लो। अच्छा जी, और जो मेरे को बुरा कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ भगवान उनको बुरा बना दे। अच्छा जी, मेरे जैसा बनने के तो देखें,
ये भी बात जो है, मैंने लोगों की भलाई की है ना भाई जी, मंडी में। अच्छा जी, एक से एक भलाइयाँ की और पांच आदमियों को मर्डर से बचा गिनती है। अच्छा जी, ए ब्लॉक में, सी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में जाके। अच्छा जी, पांच आदमियों को मैंने बचाया है जो चाकू पेट में घुसते उनके हाथ पकड़ के ऊपर उठाया मैंने। अच्छा जी, ये भी इतिहास है। शेरे भाई बहुत की है, शेरे भाई की हिम्मत है जी, और बुराई कम है। हाँ जी, तो लोग डर रहे हैं तो डरने दो। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी कोई राजी होगा। हाँ जी, हाँ जी, इसमें भी कोई भलाई है। चलिए धन्यवाद सर जी, अपनी दुकान का एड्रेस वही पुराने वाला मोबाइल नंबर वाला ही है, 93-11-86-676 शेरा भाई तरबूज वाले। अच्छा जी, खीरे वाले। आजकल कोई फुट्टा भी निकल रहा जी इनके नाम का, एक आधा तरबूज घूमोगे क्या जी? इनके नाम का कोई फुट्टा निकलता है जी, एक आधा तरबूज खाने आती है भाई, सारी सारी मंडी में फेंक देते ना। हाँ जी, खाई रही है। हाँ जी, इनका भी भोजन चल जाए जी, ये गऊ माता है। हाँ जी, हाँ जी, लोग अपने आप पर भी दान कर देते हैं। हाँ जी, और बताइए। धन्यवाद जी, बड़ा खुश हो। मैं मंडी में सभी आरतियों को कह रहा हूँ, जो मेरी बुराई करता है ना, हाँ जी, उसका भगवान भला करे। वाह जी, उसे कुछ चाहिए तो मेरे पास आए, अगर भूखा मर रहा है तो पैसे दूंगा। हाँ जी, घर में राशन नहीं है तो राशन डलवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई भी भूखा मर रहा मेरे भाजा। अच्छा जी, अच्छा, और जो कोई जिनका दारू की जरूरत है, पौवे पौवे की, कोई दारू पौवे की जरूरत है तो भैरव बाबा पे चले जाओ। अच्छा, रोज बढ़ रहा है। नहीं मंडी में तो इतने वैसे घूमो उनके पास, कहीं भैरव बाबा चले जाओ। अच्छा जी, इतवार के दिन। अच्छा, माता राशन बढ़ता है। अच्छा जी, इतवार को बहुत इकट्ठी हो जाती है। और जो किसी को सट्टा लगाने के लिए पैसे चाहिए, सट्टे के लिए तो भाई फिर कहीं ढूंढना पड़ेगा उसे। अच्छा, मैं तो साधु संत आदमी हूँ। वाह जी वाह, शेरे भाई के साथ भी चर्चा करके नजारा आ गया जी, पर टाइम पास हो जाता है दोस्तों। रेट तो इसने शुरू में बता दिए थे, रेट बता के जिसको रेट सुनो, रेट सुन लो जी, बाकी थोड़ा बहुत चर्चा चलती रहती है जी। लो जी, बदल दोबारा आ गए, मौसम फिर गड़बड़ हो गया जी, और बिल्कुल हल्की 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 बरसात आ गई। ये देखो शीशों पे जम गई है, दिख रही है आपको, थोड़ी 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 बरसात जम गई। चलिए दोस्तों, जान लेंगे दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का नारियल पानी का क्या बाजार चला, मंडी में नारियल पानी की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं विक्रम भाई साहब के पास आज के क्या रेट चले जी। इनके पास एक गाड़ी आई, अन्ना गाड़ी बड़ी लगी जी। सर जी नमस्कार जी, भाऊ जी कितनी गाड़ियाँ आ रही जी आज मंडी में? मंडी में 35-40 गाड़ी हैं। अच्छा जी, थोड़ा बारिश की वजह से ग्राहक कम है, लेकिन मंडी साफ हो जाएगी। अच्छा जी, बारिश तो समझो, और जो बारिश ना आती जी फिर बाजार बिकता 55 रुपये का आज, अब चल रहा है 52 रुपये का। अच्छा जी, यानी इससे 2-3 रुपये टूट गए। टूट गया भैया। और जो पन्नी का रेट क्या चल रहा है? 52-53 ही है। और जो परचून का छांट कर नंबर वन का? 58-60। नारियल में तेजी आई है? तेजी में। कारण क्या आई है? पीछे माल लोड नहीं हो पा रहे, एक बारिशें आ रही हैं तो माल निकल नहीं पा रहा, कुछ फसल कम है, बारिश हुई नहीं वहाँ पे भी। अच्छा जी, अब की बार बारिश होने के बाद होगी। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद सर जी, अपना मोबाइल नंबर जी 8010-8376 विक्रम डेडस। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए दोस्तों जानते हैं आज का इधर जगदीश छोटू भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला जी, इनके यहाँ क्या रेट चले जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार सर। आज तो नजारा ले रहे जी, नजारा माल सारा आज तो मौसम वैसा है जी आप सर? मौसम भी बढ़िया, मार्केट भी सही है। अच्छा जी, हाँ जी, आज का कैसा बाजार चला भाई? बाजार बिल्कुल बढ़िया सर। हाँ जी, हाँ जी, आज का क्या रेट चला अपने यहाँ पन्नी का क्या रेट चला? पन्नी का रेट बाबू जी हमारा 52 से लेकर 53 रुपए तक का रेट, 52 से 53 रुपए। हाँ जी। अच्छा जी, और जो बरसात ना होती जी आज? ये बरसात नहीं होती तब भी सही है मौसम, ठंडा मौसम बढ़िया है। अच्छा जी, और ये परचून का रेट जी अपने यहाँ? परचून आज नहीं दिया सर। अच्छा जी, आज ये परचून सारा पन्नी में ही चला जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, माल क्लियर हो जाएगा जी? बिल्कुल क्लियर, इसके हमारे गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। अच्छा जी, सारा बिक लिया जी? सारा खाली हो गया माल हमारा, दो गाड़ी थी, एक वो गाड़ी, एक गाड़ी, दोनों खाली है सर। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर सर हमारा 99-99-00-25-35। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जान लेंगे आशीष ब्रदर्स के यहाँ भी आज का क्या कुछ बाजार चल रहा है, इनके यहाँ पन्नियों का क्या रेट है जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार भाऊ जी, अपने यहाँ क्या रेट चला जी पन्नी का जी आज का? पन्नी चली 48-50 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी। अब तो बरसाते हैं देख लो, अब तो बाजार में पीछे करे माल कम है जी? राणा जी माल कम नहीं है, माल पीछे भी कम है, बाकी माल पूरा है। अच्छा, दे नहीं दे, बारिश हो रही है और इधर डेंगू फैला हुआ है यूपी और उत्तरांचल में। आ लिया जी अभी से डेंगू? यूपी और उत्तरांचल ना जी, डेंगू नो जी, मुझे हो गया था 2 साल हो मेरी टांगा वहाँ। यूपी और उत्तरांचल फैला हुआ है, जो 20 पन्नी मांगता था वो 100 पन्नी मांग रहा है। अच्छा जी, हाँ आइडिया ये लगा लेता आदमी फिर। अच्छा, जब मैं 20 पन्नी बेच सकता हूँ तो 100 क्यों मांग रहा हूँ, डेली 100 मांग रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ
बहू जी, जो घर के लिए मांगते हैं इसको पन्नियों को, जैसे घर के लिए नारियल मांगते हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? एक तो कंपनियां देती है ऑनलाइन वाली है, हाँ वो तो काट छील के देती है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मान लो मुझे अपनी कंपनी पे बेचना, तो मैं कैसे बेचूंगा? उनके पास तो इतने बड़े चक्कू भी नहीं होंगे, हथियार भी नहीं होंगे इसको काटने के लिए, कैसे काटेंगे वो? क्या जो मान लो आज की तारीख में यहाँ से पन्नी ले जाऊँ आपसे, और मैंने आपने मुझे पन्नी दे दी, तो मैं इसको कैसे ले जाऊंगा जी अपने घर? चाकू से कट जाता है। चाकू से कहाँ कटता है जी, इतना भारी चाकू? पानी वाला चाकू से कट जाता है सर। पानी अच्छा। वाला जो कच्चा माल है, ये सारे कच्चा माल है। अच्छा जी, ये जो अपना घर का चाकू होता है ना, हाँ जी, उससे कट जाता है। अच्छा जी, अच्छा। और कोई जरिया, जैसे एक बार आप ओपनर भी है वैसे, नहीं एक बार इसको आप वो काट के पन्नी चढ़ा के बेचते थे कंपनियों वालों की तरह, आप नहीं बेचते जी उसको? नहीं नहीं, बंद कर दिया। अच्छा जी, प्लांट ही बंद कर दिया। चलिए धन्यवाद सर जी। ओपनर भी आता है वैसे इसका, जैसे पेचकस होता है ना, हाँ जी, ओपनर भी आता है, ऐसे घुमाओ तो गुद्दा बाहर आ जाए, उसमें फंस जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, खुल जाएगा, बच्चा भी खोल लेगा उससे। चलिए धन्यवाद सर जी। मोबाइल नंबर जी 9312833267 8801215151 शिव फ्रूट कंपनी।